अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज हम ये बड़ा ही प्यारा सा एक ब्रेसलेट बनाने वाले हैं। ये देखिए, बीड्स के साथ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ, ये थोड़ी फैंसी सी वूल है, कोई भी आप वूल यूज़ कर सकती हैं, थ्रेड भी यूज़ कर सकती हैं। और ये बीड्स चाहिए, बीड्स हमें इसके अंदर लगाने के लिए चाहिए, और इसे मोटा साइज भी लगा सकती हैं आप। और ये इसके लिए मैं हुक यूज़ कर रही हूँ 2 mm। और अगर आपके बीड्स के होल जो हैं, सुराख जो हैं, वो बड़े हैं, तो फिर इससे यही हुक यूज़ हो जाएगी। और अगर छोटे हैं, तो फिर उसके लिए हमें बारीक बीड्स के लिए चाहिए। ये देखिए, ये मेरी .06 mm हुक है, ठीक है, जो बीड्स के अंदर आसानी से फिरी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये देखिए, इस तरह से बल दिया और स्लिप नॉट बनाए, ठीक। उसके बाद 1, 2, 3। अगर आपने ब्रेसलेट बना रही हैं, तो फिर थोड़ी सी ये इसको टाई करने के लिए हम चेन बना लेंगे। इससे बैग्स की बेल्ट भी बन सकती हैं। ये देखिए, हैंड बैग्स की बेल्ट, हेयर बैंड आप किस लिए यूज़ कर रही हैं, ये मैंने इसकी नहीं बनाई है, तो आप चाहें तो फिर एंड पे हुक भी लगा सकती हैं। और अगर आपने ये इसके साथ टाई करनी है, तो फिर थोड़ी सी लंबी 15-20 चेन्स ज़रूर बना लीजिए, ठीक है। ये देखिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये देखिए, ठीक है। अब हम यहाँ पर मेरे जो बीड्स हैं, उनकी हुक, उनका होल जो है, ये बारीक है, तो मैं उसके लिए ये जो है बारीक हुक ये यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए, आपने इस तरह से इसमें बीड इंसर्ट करना है हुक के अंदर, और फिर इसमें इस तरह से आसानी से चला जाएगा। ये देखिए, ठीक है। और फिर मैं बड़ी वाली हुक लेकर, ये देखिए, ठीक। अब इसमें बीड्स डालने के बाद, ये देखिए, मैंने यहाँ पर चेन की है और अब इसको बंद किया है। अब मैं 4 चेन्स लूँगी, 1, 2, 3, 4। मैंने 4 चेन्स ली हैं, ये देखिए इस तरह से। अब मैं बैक आऊंगी, बैक पे ये जो हमारी यहाँ पर पे फर्स्ट ये है, यहाँ पर मैं 1 ठीक है। अब मैं थ्रेड को इधर से ला के तो दूसरी साइड की चेन बना लूंगी। 4 चेन्स इधर भी बनानी है, 1,
4 बना के, तो हमारी ये जो सबसे फर्स्ट वाली हुक का ये जो है यहाँ पर स्लिप स्टिच बना, ये देखिए हमारा बीट जो है बीट इस तरह से कवर हो गया। ठीक है, अब मैं चेन वन लूँगी और चेन वन लेने के बाद मुझे 6 सिंगल क्रोशिए, ये जो 4 चेन्स बनी हुई हैं, रिंग सा बना हुआ है, इसमें मैंने 6 सिंगल क्रोशिए बनाने हैं, 6 सिंगल क्रोशिए। ठीक है, तो ये मैं इसके अंदर को लेके जाऊंगी, ये देखिए इस तरह से, और एक दो तीन चार पाँच और ये 6, ये एक साइड पे मैंने 6 सिंगल क्रोशिए बनाए हैं, 6 सिंगल क्रोशिए। ठीक है, अब मैं ये इसके यूँ नीचे से थ्रेड इस साइड पे ले आऊँगी और नेक्स्ट जो अगले दूसरी वाली साइड है हमारी, इसकी रिंग की दूसरी वाली साइड है, वहाँ पर भी मैं 6 सिंगल क्रोशिए बनाऊँ, ये देखिए। अब मैं दूसरी साइड आ गई हूँ, तो यहाँ पर भी मैं 6 1 2, ये देखिए इसके अंदर 3 4 5 और 6, ये देखिए हमारे पास इस तरह से बन गया। अब ये जो हमारा सबसे पहला था, इसके अंदर मैं स्लिप स्टिच बनाऊंगी पहली चेन के इस तरह से, और चेन वन लूंगी और एक दफ़ा से फिर इसके इर्द गिर्द इसके राउंड रिपीट करूंगी, ये देखिए कैसे। ये जो फर्स्ट मेरा स्टिच है, फर्स्ट स्टिच में मैंने हुक एंटर की और स्लिप स्टिच किया, ठीक, फिर चेन वन की, फिर नेक्स्ट वाले में स्टिच में स्लिप स्टिच और फिर चेन वन, इस तरह जिगजैग सा हमारे पास बनता जाएगा। फिर नेक्स्ट वाले में स्लिप स्टिच और फिर चेन वन, इसी तरह आपने ये सारा स्लिप स्टिच और चेन वन से कंप्लीट करना है, ये देखिए। अब नेक्स्ट वाले में स्लिप स्टिच फिर चेन वन, फिर नेक्स्ट वाले में स्लिप स्टिच और फिर चेन वन, फिर से नेक्स्ट वाले में स्लिप स्टिच और चेन वन, फिर स्लिप स्टिच और चेन वन। अब हम इसको नीचे छोड़ के ये जो हमारा था इसको अब हमने नीचे कर लेना है और इसके ऊपर से ही थ्रेड को भी ले जाना है, स्लिप स्टिच और चेन वन, फिर स्लिप स्टिच चेन वन, स्लिप स्टिच चेन वन, स्लिप स्टिच और
चेन वन, ठीक स्लिप स्टिच चेन वन, ठीक नेक्स्ट वाले में भी स्लिप स्टिच चेन वन, और ये हमारा स्लिप स्टिच चेन वन, और ये देखिए अब वेरी फर्स्ट में हम थोड़ा हमारा टाइट है वो स्टिच, तो स्लिप स्टिच करके हमारा ये देखिए राउंड बन गया। इस तरह से आप ऐसे एक एक करके बटन भी बना सकती हैं, ये देखें इस तरह से एक एक अलग। और अब हम ये चेन के साथ भी बटन बन सकता है, फिर हम 20 चेन्स लें और बटन बनाएं, फिर 20 चेन्स लें और बटन बनाएं, ठीक है। और लेकिन मैं ब्रेसलेट बना रही हूँ तो फिर मैं ये देखिए चेन वन चेन टू, और अब मैं नेक्स्ट बीट यहाँ से नेक्स्ट वाला बीट जो है ये देखिए, ठीक है, ये हुक इसकी बहुत बारीक है और अपने एहतियात के साथ केयरफुली इसको इंसर्ट करना है, ये देखिए, ये देखिए इस तरह से। और अब हम ठीक है, अब मैं सेम पहले की तरह ही ये नेक्स्ट वाला भी बनाऊंगी और फिर 1 2 3 4, फोर करने के बाद ये जो हमारी यहाँ पे चेन है यहाँ पे हमने हुक इंसर्ट करके स्लिप स्टिच बनाया और थ्रेड को इसके नीचे से लाकर वन टू थ्री फोर, बस फोर, और ये पहले वाला जो सबसे है यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच बना, ये देखिए हमारा जो है वो रिंग रेडी हो गया है। ये आप इस तरह से ज्वेलरी भी बना सकती हैं। अब चेन वन लूंगी और इसके पहले रिंग की एक साइड में 6 6 सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी, ठीक है। सेम इसी तरीके से मैं इसको कंप्लीट करूंगी जिस तरह हमने पहला बनाया था। ये देखिए ठीक है, अब फिर हमने इसके नीचे से ला के तो दूसरी साइड इसकी स्टार्ट कर, ये मैं कंप्लीट करती हूँ और फिर आपको ज्वाइन करती हूँ। ये देखिए हमारा ये इस तरह से रेडी हो गया है। और मैं अब आपको वन बाय वन करके एक एक जो है वो बटन बनाना भी बताती हूँ चेन के साथ कि कैसे हम बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने 20 चेन्स जो ली थी, अब मैंने फिर 20 चेन्स ली हैं,
सेम उसी तरह बनेगा, थोड़ा सा इसका जो है वो डिफरेंट है। ये देखिए, बस इसमें आपने चेन्स जो हैं वो लंबी बनानी है, 2, 3, 4 चेन में हमने दूसरी साइड थ्रेड ले गए और ये देखिए फर्स्ट वाले में बिल्कुल उसी तरह से मैं इसको कंप्लीट करूंगी। चेन 1 लूंगी और इसके अंदर 6 क्रोशे सिंगल क्रोशिए बनाऊंगी, 1, 2, 3, 4। ये मैं इसी तरह से बिल्कुल कंप्लीट करके तो आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए, जब हमने दूसरी साइड जाना है तो फिर हमने इसके नीचे से थ्रेड को, अपनी यार्न को इस तरफ ले जाना है 6 बनाने के बाद। ठीक है, 2 दफ़ा आपने इसके नीचे से लेके जाना है, और जब वो चेन 1 और लास्ट वाला राउंड करेंगी तो फिर हम ऊपर से ही इसका राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए दूसरी दफ़ा मैं नीचे से लेकर गई हूँ, और अब मैं ये कंप्लीट करने के बाद आपको दिखाती हूँ। ये वेरी फर्स्ट वाले में स्लिप स्टिच किया और चेन 1 की और फिर स्लिप स्टिच किया नेक्स्ट वाले में, चेन 1 की और स्लिप स्टिच किया। ये मैं यहाँ यहाँ तक बना के फिर आपको दिखाती हूँ। अब देखिए, हम ये जो चेन हमारी आई थी, हम यहाँ पे आ गए हैं। अब हमने इसी तरह ऊपर से ही इसका ये चेन 1 की, और ये देखिए, ये अब मैं ऊपर से ही इसका थ्रेड जो है वो ला के तो इसको बनाती जा रही हूँ। चेन 1 ली और नेक्स्ट वाले में स्लिप स्टिच किया और चेन 1 ली और स्टिच किया, चेन 1 ली स्लिप स्टिच किया, चेन 1 ली चेन 1 स्लिप स्टिच चेन 1 नेक्स्ट वाले में स्लिप स्टिच चेन 1 और स्लिप स्टिच। ये देखिए, हमारा कंप्लीट हो गया है। लास्ट राउंड हमने इसके ऊपर से दिया है तो इस तरह हमारी जो चेन है वो ऐसे होगी। ठीक है, फिर हम ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये मैंने 12 चेन्स ली हैं। अब मैं नेक्स्ट वाला यहाँ पे बीट बनाऊंगी और मैं आपको दिखा दूंगी। फिर मैं आपको ये, अब यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट करके तो पूरा दिखाती हूँ। ये हमारा, ये देखिए हमारे बटन्स इस तरह से ये रेडी हो गए हैं। उम्मीद है ये भी आपको पसंद आए होंगे। इसको भी आप ब्रेसलेट भी बना सकती हैं। ये देखिए दूसरी साइड भी इसकी चेन बनाकर।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है मुझे आपको ये पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए नादियाज़ वर्ल्ड ऑफ क्राफ्ट ज़रूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।